वीडियो में मैं आपको नेदर पोर्टल बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपके पास एक डायमंड पिकैक्स होनी चाहिए और कुछ वाटर बकेट्स होनी चाहिए। इनका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कहीं पे भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे माइनिंग में यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ तो मैं पहले डायमंड पिकैक्स लेके माइनिंग करता हूँ। बस आपको भी मेरी तरह ऐसे करते रहना है। आपको लावा तक, लावा को कैसे भी करके ढूंढना होगा, तो लावा को ढूंढ लेते हैं। तो मुझे तो लावा मिल चुका है, आप भी ऐसे ही लावा करके ढूंढना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे ही माइनिंग। आपको कुछ नहीं करना, वाटर बकेट का यूज़ करना है। अब वाटर बकेट का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं पे से मैंने वाटर बकेट का बीच में डाला तो लावा के दो साइड ऑब्सीडियन हो गए। तो अब इन ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए ही अपने को डायमंड पिकेक्स चाहिए। तो ये भी आसानी से नहीं टूटते, इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा तोड़ते हैं, स्लोली स्लोली टूटेगा, मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं डायमंड पिकेक्स कम करता जा रहा हूँ, तो मैं सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करके आपको डायरेक्ट बाहर मिलता हूँ। फिर आपको वहीं पर दिखाता हूँ और आगे क्या करना है। तो चलो मैं आपको बाहर मिलता हूँ। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने टोटल 64 ऑब्सीडियन बनाए हैं। वैसे आपको भी ऐसे ही बनाना है। अब आपको क्या करना है, एक फ्रेम बनानी है। तो मैं फटाफट आपको फ्रेम बना के दिखाता हूँ कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक्स रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 रख दिए हैं और अब यहाँ पे अपने को एंड पे आके इसके साथ ब्लॉक बनाना है। 1 2 5 से 6 ब्लॉक्स रख दिए, वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी ब्लॉक्स रखना है। मैं जैसे रखता जा रहा हूँ, फ्रेम बना दी। अब यहाँ से थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो कुछ नहीं, मैं बच गया। ऐसे ही आपको भी इतनी सी फ्रेम बना देनी है। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मैंने रखी है, मैं वो लेकर आ, इसका नाम है फ्लिंट एंड स्टील। ये आपको बनाना होगा, डोंट वरी। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उसके अंदर आपको बता दूंगा कि फ्लिंट एंड स्टील कैसे बनता है। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट इसका यूज़ बताता हूँ। आप ये तो समझ गए हो कि ऑब्सीडियन मुझे कैसे करना है। वैसे आपको यहाँ पर जैसे ही इधर दो बार क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी जगह का रास्ता मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर जाके जैसे चाहे, मतलब सेम टू सेम जैसे माइनक्राफ्ट में इधर है उसी तरह दूसरी जगह भी ऐसी ही कोई जगह मिलेगी, पर वो बहुत डरावनी होगी जैसे ये। पोर्टल के बारे में बता रहे थे, डरा रहे तू मुझे। तो आप समझ ही चुके होंगे, तो आपको सावधानी से वहाँ पर जाना होगा। मैं तो अभी नहीं जा रहा। बस आपको एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इस पोर्टल को बाहर माइनक्राफ्ट में हो तो इस पोर्टल को हमेशा बंद कर दिया करो कि ये पोर्टल कैसे बनता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में बताए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर बनाऊँ उसका। तो जो भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलो चलता हूँ मैं।